बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे इंशाल्लाह। हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक अपने फिजमान में रखे सबको, जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शफा दे, आमीन सुम आमीन। ये हम आज बना रहे हैं, प्याज रखा है, ब्राउन चने की दाल बना रहे हैं। ये प्याज ब्राउन हो रहा है हमारा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दाल चने की रखी है उबालने के लिए, फिर इसका मसाला इलादा तैयार करेंगे, इस पे डालेंगे फिर। और बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी तावन की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको शेयर करें, आमीन। सबकी तरफ अल्लाह खैर करे, जो परदेश में बच्चे अल्लाह उनको ठीक रखे, सबको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह कामयाबियाँ दे। सबकी माओं के बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्तियाँ दे, आमीन सुम आमीन। ये अब नमक है, मिर्चें हैं, ये सारा कुछ, थोड़े ज़ीरा है, ये डाला है इसमें, मसाला बनेगा। फिर टमाटर बीच में डालें, ये उसमें ज़ीरा मसाला था, ये अब हल्दी मिर्चें ये डालें, ये अब मसाला बनेगा ना, फिर दाल में डाल लेंगे तड़का। बहुत मज़े की इस तरह बनती है, वो भूनने पकाओ ना तो वो जायका ख़त्म हो जाता है। फिर लादा उबालो, नमक डाल के ना थोड़ा सा, तो चने की दाल उबाल लो ना, रख दो आस्ता आस्ता दम पे, तो फिर ऊपर ये मसाला। ये मेरी बहू हेल्प करा रही है, बड़ी बहू मेरी, माशाल्लाह मज़े का बनाती है खाना। ये प्याज ब्राउन भी किया हुआ है लादा, उसके ऊपर डालने के लिए। फिर ये देखें माशाल्लाह दाल तैयार हो गई हमारी, बहुत मज़े की बनी है। तो अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। ये हरी मिर्चा तो ब्राउन प्याज रखा हुआ है ना, ये ऊपर गार्निश करेंगे फिर। अल्लाह पाक आपको भी ठीक रखे। ऊपर वशा का चैनल मुझे बहुत पसंद है, इतना अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती हैं, तो अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दें, उनके वालद को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दें। मेरे भी अबू जी आए थे, दो तीन दिन रह के चले गए हैं, मेरे भाई इधर रहते हैं उनके पास चले गए हैं फिर। तो वह दुआ करें सबके लिए। ये देख दाल तो हमारी तैयार हो गई है, ऊपर बस गार्निश कर लिए, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह। ये प्याज अब ब्राउन करते हैं ना, फिर ये फिर ऊपर डालते हैं, रखते हैं फिर। ब्राउन प्याज बहुत अच्छा लगता है, सालन बनाओ ना, दाल बनाओ या पुलाव बनाओ, उसके ऊपर रखो प्याज ब्राउन डालो, बहुत मज़े का लगता है फिर, ख़ासतौर बिरयानी। ये अब हम खीर बना रहे हैं, लजीज़ा खीर। ये चार पैकेट दूध के डालें, तो ये माशाल्लाह हमारी खीर तैयार हो रही है। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।